वेलकम बैक टू माय चैनल पिंक्रस। सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्री रक्षाबंधन शॉपिंग हॉल। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा जल्द ही रक्षाबंधन आने वाला है, तो हमने सोचा क्यों ना शॉपिंग की जाए। तो हमने रक्षाबंधन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बाय करनी थी वो हमने कल ही बाय कर ली थी, और अब हम शायद बाय नहीं करेंगे। तो ये होने वाला है एक शॉपिंग हॉल। तो वीडियो पसंद आएगी आपको उम्मीद है, और अगर वीडियो पसंद आएगी लाइक बटन भी जरूर प्रेस करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो में जाने से पहले, अगर आप पिंक हार्ट्स की फैमिली के मेंबर अभी तक नहीं बने हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए पिंक हार्ट्स को। तो आप कैसे ज्वाइन करोगे, सिंपल सा है। आपको नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वो आपको प्रेस करना है एंड बेल आइकन को हिट कर देना है, एंड दैट्स इट। आप बन गए हो पिंक हार्ट्स की फैमिली एंड वेलकम टू माय फैमिली। तो बस अगर आप बन गए हो पिंक हार्ट्स की फैमिली, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट तो हमने बाय किया मेकअप प्रोडक्ट। कुछ मेकअप प्रोडक्ट मैंने बाय किया है, कुछ असेंशियल बाय किए हैं, एंड उसके साथ मैंने कुछ क्लॉथिंग आइटम बाय किए हैं और कुछ क्यूट से स्टफ्स बाय किए हैं। प्लस उसके साथ हमने कुछ रैंडम स्टफ्स बाय किए हैं, वो जो आपको वीडियो के एंड में दिख जाएगा। एंड बाय द वे, ये टॉप आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये मैं कब से सोच रही थी बाय करने की, एंड थैंक गॉड ये मिल गया है और मैं बहुत ज़्यादा वाली खुश हूँ। और ये टॉप भी आपको आगे चल के हॉल में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ये टॉप पसंद आ रहा है और आप इसकी प्राइस वगैरह जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मेकअप से रिलेटेड हमने बाय किए हैं कुछ ही प्रोडक्ट जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे हम सोच रहे थे ज़्यादा प्रोडक्ट बाय करें, बट ऑफलाइन शॉपिंग में क्या दिक्कत है, मेकअप में आपको ऑप्शन बहुत कम मिलते हैं, ये मैंने देखा है। इसलिए मैं आज से ऑफलाइन मेकअप प्रोडक्ट बाय नहीं करूँगी। तो कुछ प्रोडक्ट मैंने बाय किए हैं जो जिसमें कि फर्स्ट है ये, और ये है CVV की CC मिरेकल क्रीम, और ये है SPF 30++। इसमें आपको मिल जाता है, चलो इसको ओपन करके मैं आपके साथ जल्दी शो कर देती हूँ। तो इससे मेरे को उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट इसका जो काम है बहुत अच्छी क्रीम है। ये कम टाइम में मेरी फेवरेट बन गई है, तो आप लगा सकते हो कैसे क्रीम है। तो प्राइस इसका है 250 रुपये, तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में है। अब आते हैं सेकेंड प्रोडक्ट पे, जो कि है ये, और यह एक कंसीलर। तो मैंने वहाँ, अगर हॉनेस्टली बताऊँ तो मैंने वहाँ पूछा था कि स्विस ब्यूटी का कंसीलर होगा क्योंकि वो अच्छा होता है, मैंने सुना भी है, उसके रिव्यूज़ वगैरह भी चेक किए हैं, अच्छा रहता है वो। तो उस वजह से मैं सोच रही थी उसे बाय करूँ, लेकिन उधर था ही नहीं, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ ऑनलाइन बाय करिए मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट। बट कोई नहीं, मैंने सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बाय किए हैं मेकअप से रिलेटेड। तो ये है सेकेंड प्रोडक्ट, जो कि है कंसीलर, 2-in-1 कंसीलर है, और ये शेड नंबर आई गेस 02, ये है शेड नंबर 02, एंड जो मैंने क्रीम बाय की है वो है 01। तो अब आते हैं थर्ड प्रोडक्ट पे। तो थर्ड प्रोडक्ट आप बोल सकते हो मेकअप से रिलेटेड ये है, वैसे मेरे को उतना लगता नहीं है बट है। तो ये है ये, एंड ये है हेयर कलर जो कि है लॉरियल पेरिस का कास्टिंग क्रीम ग्लॉस, एंड ये है कंडीशनिंग कलर। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या लगी मेरे को, इसमें है नो अमोनिया, तो अमोनिया इसमें नहीं है। और इसका मैंने बहुत सुना है ये हेयर कलर अच्छा है, बहुत अच्छा है कि, तो मैंने सोचा क्यों ना बाय किया जाए। एंड बाय द वे, ये मेरे लिए नहीं है, मैं हेयर कलर यूज़ नहीं करती हूँ फ़िलहाल, तो क्योंकि मेरे बाल सफ़ेद हुए ही नहीं है इसलिए। तो ये हमने बाय किया है मम्मी और पापा के लिए। तो मैं सोच रही हूँ इससे रिलेटेड एक रिव्यू शेयर करूँ, जिसमें मतलब ये मैं पहले मम्मी या पापा के हेयर कलर करूँगी, देन अगर उनके बालों में कुछ डिफरेंस दिखता है तो मैं आपका रिव्यू शेयर करूँगी। तो बस थर्ड प्रोडक्ट था ये, एंड अब आते हैं फोर्थ प्रोडक्ट। ये फोर्थ प्रोडक्ट है वो है रक्षाबंधन से रिलेटेड। रक्षाबंधन आने वाला है तो मेहंदी वगैरह तो लगाएंगे ही। तो ये हमने एक कोन ले लिया था, एक की दो कोन लिए हैं हमने, एंड बस। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ राखी। तो हमने पहले ही राखी ले ली है क्योंकि अभी जैसे रक्षाबंधन करीब आएगा, तो जैसे शॉप वगैरह है वहाँ
भीड़ वगैरह ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमने जल्द ही बाय कर लिया। अब हम नहीं जाएंगे कहीं, तो इसीलिए तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है दो राखी जो भैया औरों के लिए है, और ये एक और बाय किया हमने ऐसी। तो ये ईच हमको पड़ गए थे 40 या 50 में, ऐसी कुछ का है ये। तो ये 150 के अंदर अंदर हमने तीन राखी बाय की है। वैसे राखियाँ बहुत महंगी हो गई है, पर कोई नहीं। एंड अब आते हैं मेरी फेवरेट जो राखी है वो है ये, और ये है फोक गर्ल्स। तो रक्षाबंधन में गर्ल्स भी राखियाँ पहनती है, बट वो अलग तरीके की राखियाँ पहनती है, जो कि है ये। वैसे इसके अलावा उधर वाइट कलर के स्टोन वाले इस तरीके के लटकन टाइप की भी राखी थी गर्ल्स के लिए, बट वो मैंने बाय नहीं किया, मेरे को उतना सही नहीं लगा, मेरे को ये सही लगे। तो ये कुछ इस तरीके की राखियाँ हैं, और ये 2 आपको एक पैक में मिलेगी, तो एक मम्मी के लिए और एक मेरे लिए। और इसमें घुंघरू है जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये भी हमको जो दोनों सेट है ये हमको 100 रुपीज़ के मिले हैं, बहुत महंगे हैं, बट कोई नहीं, रक्षाबंधन की बात तो आता है। और चलो अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जो कि असेंशियल में। तो असेंशियल में मैंने एक ही प्रोडक्ट बाय किया क्योंकि मैं इसको देखना चाहती थी, सुना था इसके बारे में बहुत ज़्यादा। और ये है क्लीन एंड ड्राई का इंटीमेट वॉश, एंड जो प्राइस है वो है 165 का। ये सिंगल है, और इसी तरीके का हमने एक और बाय किया है, दो बाय किया हमने। तो अब आते हैं क्लॉथिंग आइटम पे। तो इसमें होम डिकोर के भी आइटम आपको देखने को मिल जाएंगे, बट आगे पहले क्लॉथिंग आइटम से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं अपने ही क्लॉथिंग आइटम आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, देन जो और हमने बाय किया है वो आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट हमने बाय किया था वो थी एक कुर्ती, जो कि यहाँ आपको दिख जाएगी, अभी मेरे पे नहीं है। तो ये है पेल ग्रीन कलर का कुर्ती, प्लस इसमें वाइट कलर की डिटेलिंग दी गई है, और ये शायद सिंथेटिक है या कॉटन है, वैसे दोनों का मिक्सचर है आई गेस। तो ये हमने बाय किया था एक शॉप से, और उधर चल रही थी सेल, बहुत बड़ी वाली सेल चल रही थी, तो वहाँ बहुत सारे कुर्ती वगैरह थे, तो उसमें से मैंने पिक किया ये वाला। ये था फर्स्ट क्लॉथिंग आइटम। अब आते हैं नेक्स्ट क्लॉथिंग आइटम पे, जो मैंने और बाय किए हैं अपने लिए, क्योंकि रक्षाबंधन है तो मैं तो शॉपिंग करूँगी, है ना। तो क्लॉथिंग आइटम में सेकंड जो मैंने बाय किया है वो है डेली पर्पस से मैंने बाय किया है, और ये है इस तरीके का। और इसमें बने हैं पिंक कलर के स्ट्रॉबेरी, तो इसका कलर मेरे को बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने सोचा बाय किया जाए। और ये था मेरा सेकंड क्लॉथिंग आइटम जो कि घर पे पहनने के लिए है। एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्लॉथिंग आइटम पे, जो कि है एक टॉप, और ये है बहुत ज़्यादा वाला बेसिक, और ये है ये जो कि मैंने ऐसा कर दिया है, बट कोई नहीं। और ये है कुछ इस तरीके का, और ये है ग्रे कलर का, और इसमें कुछ लिखा है टॉमी जेंस करके। एंड इसका जो साइज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ, साइज इसमें नहीं लिखा गया है। तो ये थे दो क्लॉथिंग आइटम। एंड अब आते हैं जो ये पूरा हॉल है, इसमें जो मेरा फेवरेट टॉप है वो है ये, और ये है वाइट कलर का, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड इसके स्लिप्स इस तरीके का है। एंड ये है, अब टॉप में आते हैं, टॉप में इस तरीके का वाइट कलर का फैब्रिक आपको देखने को मिलेगा विद इलास्टिक, तो इसमें हर जगह इलास्टिक का काम दिया गया है। और इसका जो प्राइस है वो है 450, तो अंडर 500 ही हमको मिल गया था, तो इसीलिए हमने जल्दी से बाय कर लिया। वैसे इसके कुछ ही स्टॉक थे उधर, इसका जो कलर थे एक ग्रीन कलर का था, ग्रीन मतलब डार्क ग्रीन टाइप में, थोड़ा अजीब सा कलर था, और एक वाइट कलर का था, और सारे स्टॉक आउट हो गए थे, तो हमने ये वाला वाइट कलर का बाय कर लिया। तो ये था वाइट कलर का टॉप, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये टॉप कैसे लगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जो कि है कुछ हेडबैंड से रिलेटेड, हेयर बैंड वगैरह। फर्स्ट जो हेडबैंड है वो है ये, और ये मेरी ड्रेस से मैच कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। और ये है पिंक एंड वाइट कलर का हेडबैंड, और इसमें पिंक कलर का जो है इधर आपको
जैसे कि आपको दिख रहा होगा पिंक कलर का यहाँ जो बो टाइप में है, इसमें आपको सीक्वेंस का काम मिल रहा है। और ये जो व्हाइट कलर का है ये कुछ शाइनी शाइनी सा है, कुछ प्लास्टिक का है शायद। और इसका जो प्राइस है वो है 40 या 50 में हमने ये बाय किया था। अब आते हैं नेक्स्ट हेडबैंड पे, जो कि मैंने एक और हेडबैंड बाय किया है इसके अलावा, जो कि है ये हेडबैंड मैंने बाय किया है नॉर्मल जैसे कॉलेज वगैरह में कैरी करने के लिए, ये हेडबैंड मैंने बाय किया है। एंड इसका जो प्राइस है वो भी 40 या 50 के रेंज में हमको ये मिल गया था, ये भी अच्छा है। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमने बाय किया है वो है ये, एंड ये है स्लीपर्स पिंक कलर का। और ये इसका जो प्राइस यहाँ पे लिखा है 399, उल्टा दिख रहा होगा पर ये उल्टा है, तो 399 की इसकी MRP है, बट ये हमको ऑन डिस्काउंट 200 में मिल गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्लॉथिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट, जो कि मम्मी के लिए बाय किया था। तो फर्स्ट है ये पिंक कलर का, और ये रक्षाबंधन के लिए बाय किया है, तो ये कुछ इस तरीके का है पिंक कलर का और इस तरीके का। इसमें भी आपको बटन्स देखने को मिल जाएंगी ये, और इसके जो स्लिप्स हैं वो इस तरीके के हैं रफल टाइप में, और ये इस तरीके का है, एंड इसमें इस तरीके की डोरी आपको देखने को मिलेगी, और ये कुछ इस तरीके का है। तो ये है क्लॉथिंग से रिलेटेड फर्स्ट आइटम। एंड अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है ग्रीन कलर का, एंड ये कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का ग्रीन कलर का, और इसमें भी आपको डोरी देखने को मिलेगी। और इसके जो स्लिप्स हैं सिंपल है, कुछ ज़्यादा काम नहीं दिया गया है, और यहाँ आपको बटन देखने को मिलेगा। और इसका जो प्राइस है वो है 300, एंड इसका जो प्राइस है वो है 200। तो ये दोनों थे। और अब आते हैं होम डेकोर से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट जो हमने बाय किए हैं, वो है बेडशीट्स, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो कुछ फर्स्ट है ये, नहीं ये बेड शीट है, और ये हमने पिलो कवर अलग से बाय किए हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक बटन पे प्रेस जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड क्या बाय।